हेलो एवरीवन। तो एक नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा। मैं चाहा कि दोनों वीडियो को कंबाइन कर दूं, बट मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा अलग अलग ही रखते हैं क्योंकि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, संविधान सभा, और संविधान सभा का निर्माण और संविधान का निर्माण जैसे शुरुआत हुआ उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ पहले ही कि 1934 में, 1934 में सबसे पहले फर्स्ट आइडिया आया था, तो ये एमन रॉय के माइंड में आया था, ठीक है, एमन रॉय के माइंड में आया था कि हम लोग को एक अपना संविधान होना चाहिए। 1934 में एमन रॉय के माइंड में आया था और ये क्वेश्चन हम लोग का पूछा भी गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि ऑफिशियली जो था आईएनसी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ऑफिशियली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस समय हेड के तौर पर देखा जाता था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को देखा जाता था। और इन्होंने जो थे सबसे पहले 1935 में ऑफिशियली अनाउंस किया, ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा गया है और पूछ देगा कि ऑफिशियली कब। पहले इसे 1935 से पहले तो बहुत बार होता था कि हाँ हम लोग को संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, लेकिन 1935 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये डिमांड रखा गया ऑफिशियली कि हम लोग को एक अपना नया संविधान बनाना है और हम लोग का अब एक अपना नया संविधान होगा। इसके लिए स्ट्रगल चल रहा था और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स भी मानने लगे थे क्योंकि वे बहुत सारे स्ट्रगल को झेल रहे थे इंडिया के द्वारा, ठीक है, रिटेलिएशन को झेल रहे थे, बहुत सारे महात्मा गांधी के द्वारा मूवमेंट चलाया गया, तो इसके कारण वो डर भी रहे थे और कहीं ना कहीं वे सत्ता सौंपना चाह रहे थे इंडिया के हाथ में, ठीक है। तो इनका जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब वोट वोट के थ्रू हम लोग का सिलेक्शन, इलेक्टेड इलेक्शन होगा और इलेक्ट किए जाएंगे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ठीक है। तो ये कारण था कि 1935 में एक डिमांड किया गया, ठीक है। ऐसा तो आया कि 1935 में करना है, लेकिन 1938 में सबसे पहले उनको बाहर रखा गया और ये बोला गया कि बाहर वाले लोगों का किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पता है ना बाहर वाले अगर इंटरफेरेंस करते हैं आउटसाइडर तो फिर से वही बात हो जाएगी और अच्छे से इंडिया अपने खुद को रूल नहीं कर पाएगा, और हम लोग को चाहिए था खुद को सेल्फ रूल करना, ठीक है। तो यही चीज़ था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो संविधान सभा का जो था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये डिमांड लाया जाता है अगस्त ऑफर के द्वारा, ठीक है। अगस्त ऑफर आपको पूछ देगा कि अगस्त ऑफर क्या है, ठीक है। तो अगस्त ऑफर जो है ये इनके एक्सेप्ट डिमांड को जो था कि संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण करना है तो बनाना है, तो इसके डिमांड को एक्सेप्ट किसने किया था, तो अगस्त ऑफर किया था। ये कब किया था पूछेगा, तो ये आपका किया था 1940 में। तो अगस्त ऑफर के द्वारा जो था कि एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ इनका एक अपना संविधान होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये VVI हो जाता है, ठीक है, ये VVI पूछा जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स, क्रिप्स करके जो था, जो कि क्रिप्स मिशन भी आया था, तो वही क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो आता है कैबिनेट के साथ, ठीक है। ये कैबिनेट के मेंबर थे, तो ये आते हैं इंडिया में किसके लिए, तो ये यही डिमांड को लेकर के, हाँ कि आप लोग का फुलफिल किया जाएगा जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, संविधान बनाने का, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि जो मुस्लिम लीग के पर्सन थे, ठीक है, तो उनका एक अलग डिमांड था कि नहीं हम लोग का एक अलग देश चाहिए जो कि बाद में चल करके पाकिस्तान बनता है, तो उनका एक अलग डिमांड था कि हम लोग को इसको इंडिया को दो पार्ट में बांट दो, ठीक है, इंडिया को दो पार्ट में बांटो, एक मुस्लिम के लिए और एक हिंदू मेजोरिटी के लिए। तो मुस्लिम मेजोरिटी के लिए जो बांटा वो मुस्लिम लीग का डिमांड था, लेकिन हिंदू मेजोरिटी के लिए ऐसा इनका ही दोनों कहना था। इंडिया के जो इंडियंस थे वो नहीं चाहते थे, जितने भी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया दो भाग में डिवाइड हो, इसके लिए बहुत स्ट्रगल भी किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था कि हम लोग के लिए एक अलग देश चाहिए। तो इस कारण से क्या होता है कि जो अगस्त ऑफर आया था वो फुलफिल नहीं होता है और वो फिर ऐसा इनका डिमांड जो होता है वो छूट जाता है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि फिर से ये आधा अधूरा रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में इनका डिमांड को ब्रिटिशर्स, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का भी एक मनसा था कि हाँ इंडिया को तोड़ देना चाहिए कम्युनल राइट्स, इसी वजह से तो 1909 में जो था कि मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, और इसमें क्या हुआ था कि इंडिया को तोड़ने का काम किया गया कॉम्युनल राइट्स के बेसिस पे, ठीक है, कि उनको मुस्लिम को अलग दे दिया गया राइट कि तुम भी अपना बना सकते हो। तो ये कारण से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का भी एक हाथ रहा था। और ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था, तो ये जो बनाया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। आपको पूछ देगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है, हमेशा से पूछता है। कैबिनेट मिशन प्लान ही था जिसके अकॉर्डिंग जो था
संविधान सभा का बैठक हुआ और ये बुलाया गया। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा में जो था ये सबसे पहले कितने मेंबर का इसमें कैपेसिटी था, तो 389 389 मेंबर इसमें हाईएस्ट थे, जिसमें कि 296 जो सीट था वो ब्रिटिश इंडिया के लिए, मतलब जो हम लोग का इंडिपेंडेंट इंडिया था उसमें दो थे ना, प्रिंसली, एक राजा महाराजा के अंदर में था और एक ऐसे ही इंडिपेंडेंट था जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर था। तो राजा महाराजा के अंदर जो था उसमें जो दिया गया 93 सीट दिया गया, ठीक है, और ये जो था ब्रिटिश के अंडर जो था उसमें 296 296 सीट दिए गए थे। तो इतना हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पीछे देखें कि मुस्लिम लीग भी बट गया था, तो जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ इस बीच में, तो मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले थे, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को आईएनसी को कितना मिला, तो आईएनसी को मिला था 208 सीट मिला था, लेकिन मुस्लिम लीग को कितना मिला था, मुस्लिम लीग को ये मिला था इनको 73 सीट मिला था, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या था कि यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए बात होने लगा, ठीक है। तो मैंने इतना देख लिया, हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ से कि ये वीवीआई में कि 9 दिसंबर का फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ये कितने मेंबर थे, मुस्लिम लीग कितने वोट जीते हैं, तो ये सब कुछ कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक और चीज़ देखें कि जो सबसे पहले मीटिंग हुआ था उसमें कितने मेंबर बैठे थे, 211 मेंबर अटेंड किए थे, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन इसमें कौन था, ठीक है, तो जो मीटिंग हुआ था तो इसमें थे सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये भी पूछा जा सकता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो थे, और इन्हीं को सबसे पहले क्या बनाया गया था, टेम्प्ररी बोल सकते हैं, टेम्प्ररी प्रेसिडेंट बनाया गया था संविधान सभा का, ठीक है। तो संविधान सभा का टेम्प्ररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को, उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ये सारे चीज़ थे, ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बाकी तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन इससे बन जाता है, ठीक है। एक और हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम कैबिनेट का जो यहाँ पे था 1946 1946 का, ये तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दिया गया कि मेंबर और साथ ही साथ उनको क्या काम दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू का देखें तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और एक्सटर्नल अफेयर्स का, और साथ ही साथ इनको कॉमनवेल्थ रिलेशन का बनाया गया था मेंबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखिए ये पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, और इस वजह से इसको हम लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये होम मिनिस्ट्री दिया गया था, और साथ ही साथ आईटी दिया गया था, आईबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईटी में ही आ जाएगा इन्फॉर्मेशन वाला एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये थोड़ा सा इनको दिया गया था, होम एंड आईबी दिया गया था किसको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, ये आपको ध्यान रखना है, एंड डॉक्टर जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, ठीक है, जगजीवन राम ये दिया गया था लेबर, और सरदार बालदेव सिंह ये डिफेंस, थोड़ा सा नाम से ही आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि इस टाइप का इनको दिया गया था। सीएच भाभा ये दिया गया था आपका वर्क माइंस एंड पावर, ठीक है, और लियाकत खान को, लियाकत अली खान को दिया गया था फाइनेंस, है ना, और साथ ही साथ अब्दुल रब निस्तार को दिया गया था पोस्ट एंड एयर, ठीक है, और असफ अली को दिया गया था रेलवे और ट्रांसपोर्ट का, और सी राजगोपालाचारी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एजुकेशन एंड आर्ट दिया गया था, ठीक है, और चुंदरीगर इनको दिया गया था कॉमर्स का, और ये दिया गया था अली खान को, गजनफर अली खान हेल्थ दिया गया था, और साथ ही साथ जोगेंद्रनाथ मंडल इनको लॉ दिया गया था। यहाँ पे हम लोग देख लें कमेटी और इनके चेयरमैन कौन थे, तो सबसे पहला दिया गया है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनका चेयरमैन कौन था, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ रूल प्रोसीड्यूर का कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है स्टीयरिंग कमेटी का, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ये तो बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जी, और एडवाइजरी कमेटी जो ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें देखो एडवाइजरी कमेटी में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट ये पूछा गया है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ही, और आपको यहाँ से पूछेगा और पूछेगा ही, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो था, माइनॉरिटी एंड ट्राइब्स का जो था, और एक्सक्लूडेड बाकी जितने भी बचे हुए थे, एक किसके अंडर में थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में था फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद कुछ रखना चाहिए नहीं, एक स्टीयरिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी और फंडामेंटल राइट वाला याद रख लेना। बाकी देखो तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी, मतलब जैसे इतने सारे तो हो गए हैं, ये तो मेन हो गया एक तरह से, और इसके अंदर में जितने थे छोटे छोटे उसके लिए किसको किसको मिला गया था, तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी का मेंबर जो बनाया गया था, चेयरमैन जो थे, वे चेयरमैन जो थे जे बी कृपलानी को दिया गया था,
ठीक है, पोस्ट। और माइनॉरिटी सब कमेटी का ये दिया गया था एचसी मुखर्जी को, ठीक है। और यूनियन पावर कमेटी ये तो पहले भी थे और अभी भी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन यूनियन से कभी कभी याद आता कि नहीं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये यूनाइट करने का काम किए थे, तो शायद इन्हीं का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के अंदर था। ये देखो, जो यूनाइट करने का काम था, मैं अभी बता रहा हूँ, ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का था। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में दिया गया था। तो ये सारी चीज़ को हम लोग को याद रखना है, ये इंपोर्टेंट बन जाता है। कहीं कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कैबिनेट मिशन प्लान कब लाएगा, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था संविधान सभा का, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट कब किया गया था, तो 1946 हो गया। कितने मेंबर को आईएनसी को मिला, कितने सीट मिला मुस्लिम लीग को, ठीक है। सबसे पहले मीटिंग में कितने मेंबर बैठे हैं, तो पहला जो चेयरपर्सन था वो कौन था, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, पहला एम एन रॉय था। ये सारी चीज़ जो मैं बताया ना, टू द पॉइंट है, और ये सीधे सीधे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ हमने जाना, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि किस कंट्री से कौन सा प्रोविजन्स लिया गया, ये हमारे हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है। और उसमें 2003 का जो प्री हुआ था जेपीएससी का, उसमें पूछा गया है, तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है इसके लिए।